हिंदी धारावाहिक, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में फेमिनिज्म थोड़ा लेट आया। एक जमाने में जो सीरियल बस एक बहू की कहानी थी, वो आज के जमाने में इवॉल्व होके वापस एक बहू की कहानी ही रह गई है। तो आइए देखते हैं इस टीवी सीरियल के सेट पे जहाँ से हमारी मम्मियाँ ड्रामा करना सीखी हैं। जब तक रहीम जी खाना नहीं खाएंगे तब तक क्या है लाइन? तब तक मेरा हाथ इस दिए के साथ जलेगा। तब तक मेरा हाथ इस दिए के साथ जलेगा, जलता रहेगा। नहीं, जलेगा जलेगा। सिंघानी इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ मैं। तुम्हारा और मेरा संबंध 7 जन्मों का है। तू अभी भी वो वर्सोवा में रहता है क्या? हाँ। वो मेरा मेट्रो का पास खत्म हो गया, तेरे गाड़ी पे लेके जा मुझे। हाँ? जल्दी काम करो, सब लोग ये शेड्यूल आज ही कंप्लीट करने का है आपने को। बापू जी आप घर छोड़ के मत जाइए प्लीज। हाँ बापू। उठो बेटा उठो, घर की लक्ष्मी पैर नहीं पड़ती। ठीक है। हाँ। इसके बाद इम्प्रोवाइज कर लेंगे। हाँ, अरे सीन रेडी है क्या? हाँ रेडी है, तुम लोग रिहर्सल चालू करो। वही तो कर रहे हैं। फिर वही तो कर रहे हैं। चूतिया समझाए मेरे को। गुलाबी साड़ियाँ नीलाली लाल लाल का दिसते में। ये क्या है घटिया स्क्रिप्ट्स? किसी के पास नए आइडियाज नहीं है? सर मेरे पास है ना। बताओ। हमेशा से सास बहू का लफड़ा चल रहा है, अपन दिखाएंगे नहीं। ये कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं, एकदम लॉजिकल। सर अगर लॉजिक बढ़िया ना तो टीआरपी पक्का नीचे जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? हमें अगर टीआरपी बढ़ानी है तो लॉजिक को कम करना पड़ेगा। हाँ। और मेरे पास एक ऐसी कहानी है जिसे टीआरपी अप अप और अप ही जाएगी। बताओ। सो लेट मी प्रेजेंट यू नागराज और नागिन, एक इच्छाधारी प्रेम कहानी। ओ सर मैं बोल रहा हूँ ये ना फाड़ देगा टीआरपी, वाट लगा देगा टेलीविजन इंडस्ट्री की। उधर पीछे क्यों बैठे हो आप? आगे आ जाओ। बट चलो उधर दीवार पे चुन जा। शुक्रिया। आप बैठो। मुझे एक बात बताओ कि इतना क्रिएटिव आइडिया आपको आया कहाँ से? कैसे सोच लेते इतना नया? 12 साल का भतीजा है मेरा, इसमें कहानियां लिखता है। टैलेंट है सर, टैलेंट। क्या आगे क्या होता है प्लॉट में वगैरह? हाँ बताता हूँ सर, लिखा है मैंने, लिखा है क्लास 5th 2-4 लिखा है वो। वैसे बिजी रहता हूँ ना मैं बहुत, हिंदी के साथ साथ मराठी गुजराती सीरियल्स भी लिखता हूँ। नई सीरियल के लीड रोल के लिए आप किसे देख रहे हैं? सर इस बार ना एक ऐसा पीस ढूंढ के लाया हूँ ना। क्या सर, यही सेम चीज आप पिछले सीरियल में बोले थे। लीड रोल के लिए एनएसडी वाला उठा लाए थे। हैं? वो साला क्या एक्टिंग कर रहा है, कैरेक्टर आर्क पूछ रहा है। पूरे सीरियल का कुछ आर्क नहीं है, वो कैरेक्टर में ढूंढ रहा है। कुछ भी। अरे सर आप टेंशन मत लो, इस बार ना चुन चुन के यूपी और हरियाणा से ना बेस्ट बॉडी बिल्डर्स को ढूंढ के लाया हूँ। बेस्ट चीज ये है ना कि उनको एक्टिंग नहीं आती। यही 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 सर, हमने यही ढूंढ रहे थे। यही यही सर, ये किन लोगों के प्रोफाइल थे ये रद्दी में पड़े थे? अरे ये थिएटर वालों के प्रोफाइल है, एक्टिंग करते हैं, एडवाइस देते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। एक काम करो इसको रद्दी में बेच दो। बेच दे और उससे जो पैसा आएगा उससे हम बेस्ट सीरियल ऑफ द ईयर का अवार्ड खरीद लेंगे। वाह सर वाह, तो इतना सब कुछ करके रसोड़े में कौन था सर? हाँ आप थे, समझ में आया आपको? क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी काम करो सर, क्विक करो। सुबह से 4 बार उसी का टचअप कर चुके तू, बाकी भी एक्टर्स है ठीक है? अरे तुम डरो मत, यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा हमारा चल रहा है। शूट के बाद ना आइसक्रीम खाने जाते हैं। माइक म्यूट किया करो रे, कुछ भी सुनना पड़ता है कुछ भी। कभी कभी तो माइक ऑन रख के वॉशरूम चले जाते हैं। मुंह के बल गिरना है मैडम आपको ठीक है? कैसे? हाँ ऐसे, राइट गुड गुड, ऐसे ही गिरना है आपको ठीक है? लाइट्स लाइट्स रेडी है क्या? तो दोस्तों अपना सीन है कि अपना जो गरीब हीरो है वो बंगलो में इंटर कर रहा है। कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम रेडी है? सर वो माँ सोने जा रही है तो उसको क्या दें? उसको गाउन दे। ए चपट गंजू, सोने जा रही है तो गाउन पहनेगी वो, ऐसा है कि टीआरपी? एक काम कर, 9 लाख का हार दे और बनारसी साड़ी दे दे उसको ठीक है? ये फिल्म स्कूल वाले सर कुछ आता नहीं उनको। मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉरिशस आर्ट वाले भाईजान, भाईजान इधर आओ, सामान का लिस्ट है वो 5 मिनट में इधर चाहिए ठीक है? ये लो पकड़ो। आर्ट डायरेक्टर बनने आया था मैं, यहाँ दीवारें पेंट करने का काम कर रहा हूँ। कभी भी कुछ भी मांग लेते हैं ये लोग। उस दिन बेबी पिंक कलर का पेटीकोट मांग लिया,
सच बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिला। आखिर में पड़ोस वाली के घर से चुरा के लाया हूँ, आज तक घर नहीं गया, वो ढूंढ रहे हैं मुझे। अब ये देखो 5 मिनट में इतना बड़ा लिस्ट, कहाँ से लाऊं मैं ये सामान? आया दादा। एक दिन तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा, एटीट्यूड है तेरे अंदर। अपना नंबर दे के रख, कुछ काम होगा ना तो बता दूंगा। कितना कचरा पड़ा है यहाँ पे, स्पॉट दादा झाड़ू मारो। साला हूं प्रोड्यूसर का, जीजा जी के कहने पे आया हूं, कुछ भी काम लगा रहा है, ठीक से झाड़ू लगा। तो आपको गालियां देनी है, कुलटा कुलक्षणी कुलमोही कलमोही ऐसे दान। ठीक है ठीक है। ए कॉन्ग्रेचुलेशंस, अवार्ड मिला ना तुम्हें? यस, मतलब बेस्ट विलन तो तुम डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच, यू आर सो नेचुरल। रेम जी आप वही रहिए, बाबूजी आप जाम खाइए। हाँ चलो आठ दादा। ओके संस्कारी, वो कहाँ है शशांक? सर वो यही थी, इधर ही थी। क्या कर रहा है यार तू, कैसे आईडी है, बुला जल्दी। पता नहीं। ओके ऑल सेट गोइंग फॉर टेक। हाँ आगे 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 आगे, चलो 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 चलो। ओके सब लोग हैं यहाँ पे। तो आज का एपिसोड है हरामी सास जानबूझकर सीढ़ियों पर तेल गिराती है, नाइस। और उसके बाद वो पिलर के पीछे छुप जाती है, छुपेगी ना, तुलसी आ रही है, उसका ध्यान नहीं है, उसका पैर फिसलता है और वो सीधा गिरती है इस बैग में। चार्ज दुमता दुमता नाना तुमता तुमता नाना दुमता दुमता नाना तुमता दुमता नाना, ठीक है। उसके बाद उधर से नौकरानी काम करती आ रही है बेचारी, उसको दिखता है अरे बैग तो खुला है, फिर वो बैग बंद करती है और साइड में रख देती है। ओके सर। उसके बाद आता है रहम और वो बोलता है तुलसी का है। हाँ इसी फील के साथ, पूरे फील के साथ, वेरी गुड बेटा। उसका पैर लगता है बैग पर, बैग गिर जाती है धाम और तुलसी बाहर। और यहां पे अपना आज का एपिसोड खत्म। कैसा है? क्या बात है, एक नंबर। ओके एक नंबर से जूम करते, ठीक है। हाँ तुलसी पैसे बढ़ा के मांगने वाली है। ओके वन मोर सीन। जैसे ही तुलसी बाहर गिरती है जमीन पर, रोल करते हुए करते हुए करते हुए उधर जाती है और पर्दे से उसका गला घुट जाता है और वो मर जाती है। मुझे तो 6 महीने का ट्रैक बोला था। अब हर किसी का पुनर्जन्म थोड़ी ना होगा। बहुत बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। इसी अभी क्या है ना, अपनी जो संस्कारी बहू है तुलसी और रहम जी पहली बार एक दूसरे पे भिड़ जाते हैं, रोमांटिक सीन बन रहा है सर, मोमेंट है। जबरदस्त है सर, ये तो बहुत ही काम करेगा। अभी अभी समझिए कि अपनी जो तुलसी है समझ लो मर गई बेचारी, सैड फील, सैड फील चाहिए अपने को, है ना। ला 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 उसको फिर से प्यार हो गया, है ना। हैप्पी हैप्पी सीन सर, हैप्पी। 1 2 1 2 ला 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 एज एन एडिटर काफ़ी जिम्मेदारियां होती है, मतलब 5 मिनट के फुटेज को आधे घंटे का एपिसोड बनाना। पहले 5 मिनट पे तो आपने कल तक क्या देखा वो दिखाया जाता है, उसके बाद में जो लास्ट के 5 मिनट होते हैं तब आप कल क्या देखोगे वो सब होता है, और बीच में जो टाइम बचता है ना वहाँ पे 5-10 बार बिजली कड़कानी होती है और एक लंबा सा स्लो मोशन डालना पड़ता है, फिर उसके बाद में 17-18 लोग होते हैं उनके क्लोजअप्स वगैरह लगा दो, और फिर भी अगर टाइम बचता ही है तो फिर क्या 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 खत्म। It's...
इजी मतलब किसने रख दी? क्या बात? मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुलसी कहाँ है? किसी ने देखा है क्या तुलसी को? एडमिशन का पैसा है बॉस, जो दिखता है वही बिकता है और जो लोग देखते वही हम दिखाते। मैं भी मुंबई आर्ट फिल्म बनाने ही आया था। अरे भाई 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 ऑस्कर के सपने मैंने भी देखे। EMI आ गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो सीरियल तो सबकी फेवरेट होती है, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबने चुप चुप के देखी होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। इस एडिटर की वाट लगने वाली है अभी। बहुत क्रिएटिवली सोचना पड़ता है मेकअप वालों को और एडिटर को भी, तो DOP को भी, स्क्रिप्ट राइटर को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सब्सक्राइब फिल्म स्कूल का टॉपर था मैं, ऑस्कर में चले इंडिया में, उर्दू में ऑस्कर मैं ही लाने वाला।